बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा ग़ियास है और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 12 साल से मैं जिल्द की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की तशखीस और इलाज से वाबस्ता हूँ और आजकल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हॉस्पिटल में काम करते हुए पेशेंट्स के साथ जब भी इंटरेक्शन हुई तो ये नोट किया कि पेशेंट्स को अपनी स्किन के हवाले से बहुत तरह की मिसकंसेप्शंस हैं जो कि उनको इर्द गिर्द से पता चलती हैं। सोशल मीडिया एज यू नो इज़ वेरी एक्टिव दीज डेज एंड पेशेंट्स फाइंड इट वेरी इजी टू फाइंड लिटिल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर एंड दे जस्ट ट्राई टू फॉलो इट ब्लाइंडली। तो मेरा मकसद ये था कि पेशेंट्स को ये बताया जाए कि कौन सी चीज़ें उनके लिए ठीक हैं, कौन सी नहीं हैं जिल्द के हवाले से, ताकि वो ब्लाइंडली हर चीज़ को फॉलो ना करें और उनकी छोटी छोटी मिसकंसेप्शंस को भी दूर किया जाए। स्किन चूंकि आप सब लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला की एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है हमारे लिए। जिस तरह हमारे जिगर और मैदे और आंते हैं, इसी तरह का एक ऑर्गन एक उज्व स्किन भी है। और ना सिर्फ कि हमारे अंदरूनी अज़ा को कवर किए हुए है, प्रोटेक्ट किए हुए है, इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मुझे पता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो ये है कि मेरी स्किन फेस पे लगती कैसी है, मैं कैसी नज़र आती हूँ, मुझे अपनी स्किन की केयर करनी कैसे है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करनी है और मुझे इसको एनवायरनमेंट से हार्मफुल चीज़ों से बचाना कैसे है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि ये बात क्लियर हो जाए कि स्किन टाइप्स क्या होती हैं, बिकॉज आई हैव सीन पेशेंट्स कमिंग टू मी विद वेरियस कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ड्राई स्किन विच समबडी मस्ट हैव टोल्ड देम कि जी आपकी स्किन ड्राई है, और इन देयर टीन्स दे हैड गॉन समवेयर जहाँ से उन्हें पता चला था कि उनकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है, एंड देन दे स्टिक टू इट एंड दे ट्राई टू फाइंड प्रोडक्ट्स विच आर लेबल्ड टू बी फॉर ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, क्योंकि ये एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कह लें या मार्केटिंग इंडस्ट्री, उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है। दे टेंड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स लेबलिंग देम गुड फॉर ड्राई स्किन, गुड फॉर सेंसिटिव स्किन, गुड फॉर ऑयली स्किन, गुड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। कुछ हद तक ये ठीक भी है, मैं इससे टोटली डिसएग्री नहीं करती, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी स्किन टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं लेकिन सेपरेटली नहीं। These all skin types may be seen in only one person as well. तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी स्किन जो है ये एक लिविंग टिश्यू है, ये एक जानदार चीज़ है। इट्स नॉट अ नॉन लिविंग और अ स्टैटिक थिंग विच स्टेज देयर एज सच, बल्कि ये वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ों के ज़ेरे असर तब्दील होती रहती है। तो आपकी उम्र के साथ, आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ, हॉर्मोनल चेंजेस के साथ, आपकी डेली रोज़मर्रा की रूटीन के साथ स्किन आपकी चेंज हो सकती है। तो बहुत जो बेसिक स्किन टाइप्स जिसमें जो पेशेंट्स को पता होती हैं दे आर ड्राई, दे आर ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि आजकल के दिनों में या प्रिवेलिंग सिचुएशन में आपकी स्किन कैसी है। ये सिर्फ ऐसे पता चलेगा कि जैसे व्हेन यू गो टू बेड आप फेस वॉश करते हैं एंड व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो आप अपने फेस के ऊपर निगाह डालें, नज़र डालें, कि कोई हाई फाई साइंस नहीं है। नॉर्मली बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द फेस विच यू कॉल योर टी जोन इज अ लिटिल शाइनी एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ योर फेस। तो अगर ऐसा है तो भी आपकी स्किन नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन स्किन आप कह लें। अगर आपकी स्किन सुबह उठते ही आपको फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, कहीं पे भी ऑयल शाइनिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ड्राई है आजकल के दिनों में। इट मे गो ऑयली, इट मे गो कॉम्बिनेशन स्किन, बट दीज डेज इट इज़ ड्राई, सो इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अ लिटिल मोर विगरसली। तो ड्राई होना, ऑयली होना या कॉम्बिनेशन होना डिपेंड करता है कि आपकी स्किन के अंदर ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स हैं कितने। मेडिकली हम इनको सीबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। तो इनकी इनका नंबर वेरी करता है। हो सकता है आपकी इतनी सी स्किन के अंदर ये 400 हो, और ये भी हो सकता है कि इतनी सी स्किन के अंदर ये 900 हो। अब डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर और इनकी सिक्रीशंस कि ये कितना ऑयल सिक्रीट करते हैं, तो आपकी स्किन ऑयली भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, और इस स्पेक्ट्रम के कहीं भी फॉल कर सकती है। ये अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपकी जिस तरह की सिचुएशन स्किन में हो उन दिनों में, उस तरीके से आपको अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को और अपनी स्किन केयर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव। तो वंस यू नो कि आपकी स्किन अलाइव है और ये वक्त के साथ, एज के साथ, हार्मोनल चेंजेस के साथ, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ ये बदल सकती है, तो तब आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे अपनी स्पेसिफिक स्किन टाइप की केयर कैसे करनी है।
तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम ये भी टच करेंगे वन बाय वन कि ड्राई और ऑयली और सेंसिटिव स्किन की केयर कैसे करनी है। एक स्किन टाइप जो कि आप पेशेंट्स बड़े कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं और मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को और अवेयर कर दूँ, विच यू कॉल सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन वो ये है जो बहुत ज़्यादा हसास हो गई है आम जुबान में, जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। सेंसिटिव स्किन ये खुद भी हो सकती है पर से, और आप खुद सेंसिटिव इसको कर भी सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटिंग योर स्किन। तो प्लीज़ 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 अवॉइड टेस्टिंग योर स्किन, अवॉइड टेस्टिंग वेरियस वाइटनिंग क्रीम्स एंड ब्लीचिंग क्रीम्स एंड ग्लोइंग एंड एंटी एजिंग क्रीम्स टेस्टिंग ऑन टू योर फेस, इट इज़ वेरी डेंजरस। आप परमानेंटली अपनी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो अपनी स्किन के ऊपर चीज़ें टेस्ट मत करें, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, उसको अपनी स्किन चेक करा के, या ओवर द टाइम जो चीज़ें आपने देखी हैं कि आपको सूट करती हैं, आपके लिए ठीक हैं और वो टाइम टेस्टेड भी हैं और वो अच्छी कंपनीज की बनी हुई हैं, लोकल मार्केटेड नहीं है, आप उनको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। लेकिन जब आपको महसूस हो कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बर्निंग कर रही है, या जब आप बाहर जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट लाइट में या सूरज की लाइट में वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है, आपको चूल्हे के पास जाने में, किचन में काम करने में दिक्कत हो रही है, या आपको इवन फेस वॉश करने में कोई प्रॉब्लम है, तो इस वक्त आपको अपने डॉक्टर को देखना है। क्योंकि इस वक्त अगर आप खुद से कोई चीज़ें ट्राई करते हैं अपनी स्किन को सूथ आउट करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, तो वो रादर डेंजरस हो सकती है। इस मौके पे आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट को देखना है, और अगर आप नहीं देख पाते जस्ट इन केस, जिस तरह आजकल भी कोरोना की सिचुएशन है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप अ डॉक्टर, तो आपको घर बैठे बैठे ये करना है कि इसको मॉइस्चराइज करना है, इसको हाइड्रेट करना है, इसको सूथन आउट करना है, काम डाउन करना है। उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, बेतहाशा मॉइस्चराइजर्स घरों में होते हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता आपको ये भी बताएंगे कि मॉइस्चराइजर्स कितनी टाइप्स के होते हैं, कौन से मॉइस्चराइजर्स हैं जो आपके लिए बेहतरीन हैं और कौन से हैं जो आपको ज़रा कम यूज़ करने चाहिए depending on your skin type. तो having said that, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे हवाले से जो स्किन टाइप्स इंपॉर्टेंट होती हैं डॉक्टर्स के हवाले से, और जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारे लिए स्किन टाइप और होती हैं, उसको हम फिट्ज़पैट्रिक स्किन टाइप्स कहते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन के अंदर कितना मेलानिन है, कितना कलर है, ब्राउनिश कलर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। हम उसको 1 to 6 नंबर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर वो स्किन टाइप 3 to 5 में फॉल करती है, 3, 4, 5। अगर आपका फेयरर कॉम्प्लेक्शन है और आपको धूप में जाते हुए थोड़ी दिक्कत होती है, या आप टैन होने लगते हैं और आपकी स्किन आईज ब्राउन है, मोस्ट प्रोबेबली यू आर स्किन टाइप 3। आप किसी भी स्किन टाइप से बिलोंग करते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो आइदर यू फॉल इन स्किन टाइप 3, 4 or 5 फिट्ज़पैट्रिक। वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो इज दैट यू नीड टू अप्लाई सन ब्लॉक नो मैटर विच टाइप ऑफ स्किन यू हैव। देर आर डिफरेंट सन ब्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन डू दे ऑफर, ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि कितना SPF रिक्वायर्ड होता है। यूजुअली थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन हैं तो आपके लिए SPF 30 शुड बी द मिनिमम SPF विच यू यूज, एंड इफ़ यू आर अ लिटल टैंड, आपका थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो SPF 15 वुड ऑल्सो डू गुड फॉर यू। तो आपको सनब्लॉक लगाना इम्पॉर्टेंट ये है, किसी भी SPF का आप लगा लें, और सनब्लॉक ऐसा लगाएं जो आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, जो बहुत थिक ना हो। अगर आपको एक्नी है तो उसके ऊपर बहुत थिक लेयर लगाने से भी आपकी एक्नी वर्स हो सकती है। अगर आपको किसी सनब्लॉक लगाने से कोई रिएक्शन आ रहा है तो इट मीन्स यू आर नॉट अप्लाइंग द राइट प्रोडक्ट। तो हम ये भी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि सनब्लॉक्स कितने किस्मों के होते हैं, आपको कौन से सनब्लॉक्स लगाने चाहिए, लोशन वाला लगाना चाहिए, क्रीम वाला लगाना चाहिए, जेल वाला लगाना चाहिए, स्प्रे फॉर्म लगाना चाहिए, पाउडर लगाना चाहिए, कब कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता टच करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आप अपनी स्किन की केयर कीजिए, प्लीज़ 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 फॉर गॉड्स सेक इधर उधर से चीज़ें सुन के अपनी जेल पे ट्राई मत कीजिए। अगर आपको स्किन के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर आप नहीं डिस्कस कर सकते तो ट्राई टू फाइंड अ टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट, उसको लगाएं। और अगर आपको स्किन के ऊपर कोई अनयूजुअल चीज़ नज़र आती है, जैसे कोई रिंग फॉर्म में, या कोई रेड रैशेज हैं, या स्केल्स उतर रहे हैं, या पानी सा कुछ ऊज आउट कर रहा है आपकी स्किन से, तो दैट मीन्स कि आपको प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी है।
सो अपनी जिल्द का ख्याल रखें, और ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा स्किन वॉश करने से भी आप इसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है सीबम की, जो सीबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, तो आप उसको रिमूव कर देते हैं, जो कि ना सिर्फ एंटी बैक्टीरियल है, आपको सूथ आउट कर रही है, काम डाउन कर रही है स्किन को, बल्कि इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर बेतहाशा चीज़ें होती हैं सीबम के अंदर, कोलेस्ट्रॉल, वैक्सेस, एस्टर्स, कोलेन, बहुत सारी चीज़ें ऐसे केमिकल्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसके ऊपर जर्म्स को ग्रो नहीं करने दे रहे और एंटी ऑक्सीडेंट काम भी कर रहे हैं, वही काम जो आप विटामिन ई से भी लेते हैं। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्किन को बार बार वॉश मत करें, अपनी स्किन के हवाले से ये सीख लें कि आपको दिन में 2 बार, मैक्सिमम 3 बार, या हो सकता है 1 बार मुंह धोने की ज़रूरत है फेस वॉश से, और रेस्ट ऑफ द टाइम्स यू जस्ट वॉश योर स्किन विदाउट फेस वॉश और विदाउट सोप। आज की वीडियो के बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों, आप किसी चीज़ के बारे में फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।